स्वामी महाराज की, उसके टोली की, आप सब भक्तन की। जाओ हरे कृष्ण। लाइट कम क्यों है? विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी श्रुति नामिने नमः। नाम संकीर्तन चारिणे निर्विशेषा शून्यवादी समस्त देश तारिणे चराना पद्मा केवला बखते सदमा वंद मोहे सावधान माते प्रसाद मेवा भाव चलिया कृष्णा प्राप्त आया दे चक्षुदान दिलाय जन्म जन्म प्रभु से
राम राम राम
कुछ भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं बड़े सदा पूर्वक बड़े आदर से ही उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुख कमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञान अमृत के सुनने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में गुरु ज्ञान प्रकाश देता है तथा प्रेरणा भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अनंत अनंत बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे गुरुदेव, हम सब पर कृपा कीजिए, हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोगों में फैले। सतगुरुदेव महाराज की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परम राजाचार्य स्टूत सचरी सूचना भक्ति विदान गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परम राजाचार्य अष्टोत सचरी सूचना भक्ति सिद्धांत सचरी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस क्रांति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री श्याम बेल भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु प्रभु कृपालु पतित पावन दीन बंधु शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन दीन बंधु शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद स्कान मॉरिशियस यात्रा की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार गुरु महाराज की। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मिलकर सारे बोलो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवा पाश्चात्य देश कारण बल्कि सारे बोलो जय श्री कृष्णा नंदा जय प्रदा कौर भक्त हरे कृष्णा हरे राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो श्री श्री गौर नित्याय की जय। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आप सबका धन्यवाद और आप लोग जो हैं सब पधारे, एयरपोर्ट भी आए थे, यहाँ भी कुछ और आए हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम जो कहेंगे दो शब्द उनको ध्यान से सुनिए। ऐसे हैं कि जैसे बच्चा है, बच्चे में बचपना है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बेसमझी है बचपना। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, हम भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। एक बात का ध्यान रखो, इस दुनिया में हमें कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ के नहीं, ना हम ये शरीर है, ना हम यहाँ के, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। यहाँ के वो गायत्री माता आती थी सेवा करने, कहाँ गायत्री माता चली गई? गायत्री चली गई तो नाना भी किसी ने नहीं, यहाँ पर सबने जाना है, लेकिन जाने का कोई नहीं सोचता। तो जैसे बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, ऐसे भगवान बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, खुद भी आते हैं भगवान। सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, फिर लोग भूल गए। कलयुग के लोग बड़े पतित हैं, फिर तो बड़ी कृपा करके उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजा। जाओ भारत के लोग सब अंग्रेज बन रहे हैं, कोई क्रियोल बन गए हैं और कोई अंग्रेज बन रहे हैं, वो अपनी भाषा उनको पसंद नहीं है, साली गलां गल दिल गलां करते हैं, बोलते हैं, कोई अंग्रेजी मारते हैं, हैं। जाओ उनको समझाओ। तो गुरु महाराज ने जिनकी नकल हम कर रहे थे अंग्रेजों की, अंग्रेजों को बदल दिया। एक बहुत बड़ा चमत्कार, अंग्रेजों को बदलना बड़ा जरूरी था। अंग्रेजों की सभ्यता में कुछ नहीं, सब बेकार, समय का नाश, नरक का द्वार। प्रभुपाद एक बार अमरीका में थे तो भारत से गया हुआ एक योगी प्रभुपाद जी को मिलने आया, कहता कि व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। तो प्रभुपाद कहते हैं आई हैव कम हियर टू प्रीच सनातन धर्म। व्हाट डू यू मीन बाय सनातन? प्रभुपाद ने बताया, चार नियम बताए। और योगी प्रभुपाद जी को देखता कहता है, इफ यू वांट टू प्रीच टू अमेरिकन्स देन यू हैव टू पुट ऑन ट्राउजर and shirt and necktie, learn to eat with a knife and fork, otherwise the Americans are not going to listen to you. Guru Maharaj kehte hain, I didn't come here to follow them, I came here to make them follow me. Aur bhakti ki shakti dekho, sari duniya ko follower bana diya, koi bacha hi nahi abhi. Abhi Chinese log jo hain wo bhi फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक भक्ति ये कहता है, सारे गुरु एक जैसे हैं, ये राज्य का शिष्य है, क्या नाम तुम्हारा? गोविंदन गोविंदन
गोविंदन से अंदाज की एक बात हुई है, समझे हाथ बदल क्या क्या करता था, सब देख रहे थे ये कौन सा स्टाइल था भाई तेरा, वो तो माता ने हंस रही थी एक गोविंद शोर क्या कर रहा था, पहले अपने गुरु को अर्पण कर रहा था है? जवाब नहीं दे रहा है, क्या कर रहा था और इसका हाथ आता है और कान का सुनाई देता है तो क्या ऐसा है कि हम सबको एक तो बड़े कुछ मूर्ख लोगों के कारण बड़े भेदभाव आ गए कलियुग का प्रभाव, लेकिन शास्त्र में कोई भेदभाव नहीं है। वो प्रभुपाद जी ने शास्त्र सारे पढ़े थे, उन्हें शास्त्र में खा ले इस शास्त्र में ये कहा, भगवान ने भी कोई भेदभाव नहीं किया, आत्मा परमात्मा की है, हम सब जीव आत्मा है। आत्मा ये नहीं आत्मा हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध आत्मा परमात्मा का है। और आत्मा को पूरा अधिकार है परमात्मा से मिलने का, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये याद रखो। चाहे स्त्री के शरीर में है चाहे पुरुष के शरीर में, हमें याद रखो आप लोग, हमें भगवान से मिलना है। कैसे मिला जाएगा? तो योग्य बनाना अपने आप को भगवान से मिलने के लिए। योग्यता क्या है? कि हमें कृष्ण भावना से भावित होना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। व्हाई? सो दैट एट द एंड ऑफ अवर लाइफ वी विल बी थिंकिंग ऑफ कृष्णा। जीवन के अंत में सबको आएगा, आएगा नहीं आएगा? मॉरिशस में नहीं आता होगा, ज्यादा आता है, ज्यादा कब चीज हो जाएगा ये है? कोविड तो सब जगह आता है। वो जब समय आए तुम्हारी जीवा पर भगवान का नाम होना चाहिए। वो कैसे होगा? अभी से अभ्यास करेंगे तो नाम अगर अंत काल में जीवा पर भगवान का हो गया, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समझ भावम याति न सत्येत संशय। अंत काल में जब मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो आप सब ने यही प्रयास करना है कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने का। याद रखो एक बार हम लंदन में थे काफी साल पहले, वहां इन लोग बहुत रहते हैं, तो एक भारतीय मिला हमको, वो कहता है आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं बड़ा सुरक्षित हूं। मैंने कहा कैसे? कहते मेरा घर मॉर्टगेज से फ्री है, अब महीने का कोई देना नहीं पड़ता। वहाँ घर सब गवर्नमेंट के होते हैं, 50 साल के लिए मॉर्टगेज देनी है बैंक को, और मेरे पास बैंक बैलेंस या कार है, मैं सुरक्षित हूँ। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि कुछ दिनों के बाद जाने वाला था। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हम तभी हैं जब कृष्ण की शरण में हम आ जाते हैं। इसलिए आप सब लोग क्या करें, गाड़ी पार्क करें, गाड़ी निकालने। अच्छा अच्छा तो भगवान को पाने के लिए हमें ये शरीर मिला है, चाहे कर्मों से कोई स्त्री बना, कर्मों से कोई पुरुष बना, गोरा बना, काला बना, अमीर बना, गरीब बना, कुछ भी बना,
हम जीवात्मा हैं। और लोग भूल गए थे, लोग भटक गए थे, कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। देखो भक्ति की शक्ति, प्रभुपाद ने कैसे सारी दुनिया में अकेले प्रचार कर दिया, लोगों को भक्ति में लगा दिया। आज इंडिया के जो अच्छे अच्छे संत हैं वो भी प्रभुपाद जी की बड़ी तारीफ करते हैं कि कितने महान संत थे वो, कैसे सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए आप सबके लिए ये संदेश है, आप सभी आध्यात्मिक जीवन में सीरियस बनो, गंभीर बनो, क्योंकि ये संसार से हमको बुलावा जाने का कब आ जाएगा हम नहीं जानते। जानता कोई मॉरिशस में? इंडिया में भी नहीं कोई जानता। कब बुलावा आ जाए ये किसी को पता नहीं। वो बहुत बड़ा एक टेस्ट है, उस टेस्ट में हम सबने बैठना है, मैंने भी, आपने भी, इन्होंने भी, उन्होंने। उसके लिए तैयारी ये है, मेरे पीछे बोलो आप सारे, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, शरणम, श्री कृष्ण शरणम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, सुरक्षित नहीं है। अगर हम कृष्ण की शरण में हो जाते हैं तो कृष्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, और कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता है ना कोई करता है। तो इसलिए यही कहा है भगवान ने भी गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सारे धर्म कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आया, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा,
तुम डरो मत, तुम्हें कृष्ण की शरण में आना है। ऐसा अभ्यास करो, जैसे कहा ना भगवान ने खुद कहा बड़ी कृपा करके, उठी थे बैसी थे खाई थे छुई थे यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उठी थे बैसी थे खाई थे छुई थे यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी लेना है अभी नहीं लेना है, किसी हालत में कैसे भी नाम ले सकते हैं। और परफेक्शन लाइफ का क्या है, सर्व सिद्धि क्या है, कि नाम लेने में निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर वो जो दुख का समय आएगा आखिरी समय जाने का, उसमें भी हम नाम लिया होगा तो नाम प्रभु की कृपा से उस समय भी हम नाम ले सकेंगे। अगर ले सके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे अजामिल की कथा आप सब लोग जानते हैं। अजामिल जो था एक ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, पत्नी थी बच्चे थे उसके। लेकिन एक बार वो जंगल में कुछ हवन का सामान लेने गया। जंगल में स्पेशल लकड़ियाँ मिलती हैं और घास मिलता है और ये चीज़ें जंगलों में मिलती हैं। वो लिया जब उसने एक वैश्या को देखा, एक प्रोस्टिट्यूट को और एक शूद्र को देखा। जब उसने देखा उनको तो उसी प्रोस्टिट्यूट की ओर वो आकर्षित हो गया। उसको नौकरानी बना के घर में ले आया। उसकी पत्नी बेचारी बड़ी सीधी थी, बड़ी अच्छी थी। उसने देखा कि वैश्या के साथ रहता तो छोड़ के चली गई अपने घर में, अपने पिता के घर में रही। अभी अजामिल जो है उस वैश्या के संग में बहुत पापी बन गया। जैसे संग करे ना आदमी वैसा रंग चढ़ जाता है, सब उल्टे सीधे काम पाप कर्म करने लगा हो। लेकिन अजामिल जो है गिरता गया, पतन होता गया। एक दिन उसके गांव में कान कुब जगह है वो यूपी में जहां का था अजामिल, उसके गांव में कुछ संत आए। भारत में यहाँ तो नहीं पर संत महात्मा घूमते रहते हैं, जगह जगह तीर्थों में जाते हैं, कहीं बैठ के भजन करेंगे। अभी भी है भारत में संत। तो उसके गांव में संत मंडली आई, किसी को पूछा भाई कोई घर बताओ हमें भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया अजामिल के घर जाओ, भक्त अजामिल ऐसे बोल दिया। आए तो अजामिल जी शिकार खेलने गए थे, वैश्या घर में थी, बड़ी सोच हमारे घर में कैसे आ गए। उसने उनका स्वागत किया, बिठाया उनको, बोला मेरा पति अभी आएगा। तो अजामिल जो है शिकार खेलने गया था, बहुत सारे जानवर मार के लाया था, कोई इधर लटक रहा है जानवर को, इधर खून से भरा हुआ है। पत्नी ने सब छुलाए सब कुछ, जल्दी से बोला नहाओ, कपड़े बदले, उसको भक्त जैसा बना दिया। देखो संत आए हैं, उनको बोलना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए, आपको आपने मुझे दर्शन दिए। तो अजामिल की पत्नी कहती है अजामिल को, क्या बोलोगे? कि मैं बोलूंगा उनको कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे दर्शन हुए। चुप हो, कुछ नहीं बोलना तुमने। अच्छा ठीक, चुप हो गई। तो संतों ने देखा तो उन्होंने कहा
उसमें भी ऐसा मेरे जो वैश्या पत्नी थी वो भी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। तो अभी जब बच्चे का जन्म हुआ और संत कह गए थे तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। तो वो कहते नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ सो जाओ, नारायण ये भगवान का नाम हो, मेरे पीछे बोलो। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। लगता है लंबा समय नहीं है, थोड़ा समय है, खत्म हो जाएगा बड़ा जल्दी। तो अजामिल जो है वो बच्चे बच्चे का नाम आकर आखिर समय जब आया तो यमदूत आ गया उसको लेने के लिए। अजामिल घबरा गया, घबराहट में उसके मुंह से निकला नारायण अपने बेटे का। अजामिल कहता नारायण ना। जैसे नारायण नाम निकला उसकी कंसंट्रेशन उसी नाम में थी। पहले लोग ऐसे बच्चों के नाम रखते थे नारायण गोविंद हरि मुकुंद गोपाल, अभी रखते हैं टिट्टू बिट्टू पिंकी पिंकी बेकार के ना। पहले भगवान देखो जिस घर में हमने जन्म लिया, हमारे पिता का नाम था हरिचंद, दादा का नाम रामजस, बड़े भाई का ठाकर, उसके बाद जगदीश, कृष्ण, योगेंद्र, पुष्पा, गंगा, सब धार्मिक नाम, कि भगवान का नाम का बड़ा प्रताप है। तो बस अजामिल जो है बच्चे का नाम लेता था, यमदूत आए तो यमदूतों ने उसकी आत्मा को निकालना शुरू किया। जब नारायण उसके मुंह से निकला डर के मारे चट भगवान ने अपने दूत भेज दिए, विष्णु दूत कहते हैं यमदूत छोड़ो उसको, कि तुम कौन हो, कहते हम यमराज के अनुयायी हैं। यमदूत ये सोचते थे कि यमराज ही सब कुछ है, उनको ये नहीं पता उनसे भी ऊपर कोई भगवान है। तो कहते छोड़ो इसको, कहते ये तो हमारा ग्राहक है, इसने जो हमारे भगवान को पुकारा है। आखिर यमदूतों के कहने से विष्णु दूतों ने उनकी बात नहीं सुनी, चले गए यमदूत, बोला भी ऐसे थे। तो यमराज ने देखा सब क्या बात है, तब यमराज ने बोला था यमदूतों को अंत में जो भगवान का नाम ले लेता है उसके पास कभी मत जाओ, अंतमता सोगता, उसके पास कभी मत जाओ। तो नारायण बेटे को पुकारा था अजामिल ने, तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसलिए आप सब लोग कुछ नहीं करना, नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, है खाली नाम लेना भगवान का। क्या कठिनाई है कठिनाई लेते क्यों नहीं नाम जब नाम, बस इतना अभ्यास नाम का हो गया, हो जाए कि अंत में भी नाम भगवान का जीव भरा है। तो आप सब लोग भक्ति पथ पर चल रहे हो, गंभीर बनो, सीरियस बनो। कबीर जी ने एक बात कही है, कबीर जी का नाम सुना ना आपने, बाकी ने भी सुना ना। कबीर जी ने दो बातें कही हैं, मेरे पीछे बोलो, दो बातें को भूल मत, दो बातें को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी?
नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान एक मृत्यु और भगवान को कभी नहीं भूलना। मृत्यु जब आ रही है तो क्यों हम बड़े काम कर रहे हैं? मृत्यु को याद रखो और भगवान को याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, ऐसा करोगे सबका जीवन सफल हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। एक दुआ कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगम हुआ पंडित भयानक हुए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। बड़े विद्वान बनने की जरूरत नहीं, केवल भक्त बनना है। ये भक्ति का आंदोलन है। महाप्रभु ने कहा कि बस मुझे पाने के लिए केवल भक्ति, भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति श्री कृष्ण की। कैसे भगवान की सेवा करोगे? भगवान कृपा करेंगे, वो दयालु है। बोले मोर मुकुट बंशी वाले की, बोले पति पावन शिला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? श्री गुरु महाराज की जय। तू कहाँ बैठा हुआ भाई? ये गैलरी में बैठा हुआ है। और कोई प्रश्न आपको किसी को? तेरे को कोई प्रश्न? अभी देखो हमारा ये शिष्य, क्या नाम है आपका? राधेश्याम, राधेश्याम दास अधिकारी, जो कभी नहीं था ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी था कभी नहीं? एक बेचारे देखो क्या बच्चा चला गया, एक बेटा चला गया। कितनी उम्र थी उसकी? 26 साल। क्या जीवन का भरोसा है। इसलिए कभी ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को, दूसरी श्री भगवान मौत को चला याद रखो। आप सभी भक्त बनो। प्रभुपाद कहते थे हमारा मिशन जो है आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। आप सभी कृष्ण की शरण में आ जाओ और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो, ठीक है? हरे कृष्ण। प्रसाद साहब को मिल गया नहीं है? कौन कहता अभी तक नहीं मिला? अब लेंगे। किसने कहा अभी तक नहीं मिला? एयरपोर्ट पर नहीं मिला बच्चा? क्या बात है चाचा भाई? क्या क्या कह रहे? गाड़ी में था, तो गाड़ी में जाना था मेरे लिए, तुमने लेने के लिए आ रहा है? लेने के लिए तुम आए हैं? बाकी सबको मिल जाए ना एयरपोर्ट पर से। हर बार कहाँ वो अपना उसकी पत्नी बना के ले आती है, कहाँ है वो? हरी गंगा माता है। देखो इस बार माता कुंती माता कहते हम यहाँ से भी ले जाएंगे, सबके लिए सबको दे दिया। बस पहले भारत से आया फिर हरी गंगा प्रसाद आ गया। कहाँ तुम्हारा घर वाला कहाँ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बेटा नहीं देखा तेरा? बंशी आई पर वो मुरली नहीं आया ना, ठीक है। राधेश्याम जी को प्रश्न आपको?
मंगलवार को फ्रोग ना आपके घर में आपने अच्छा अच्छा पुरानी वाली बिल्डिंग को क्या करोगे? यूज होते हैं। चलो अच्छा अभी एक जो फाइलिंग कर रहे थे हैं खराब होते हैं ऊपर से तो करूँ क्या बच्चे के लिए बड़ी दूर तक भी आए हैं बड़ी दूर तक गया चाइना बनाता है ये खाने के लिए अच्छा भोजन 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 बचा कुछ देने के लिए नहीं है मेरे से अरे आज के लिए आप रेस्ट करो आराम कीजिए आप देखिए कल मंगलवार की सुबह का